हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है पिक अ कार्ड रीडिंग। तो इसका टॉपिक ये है कि आपको कौन स्पाई कर रहा है, आप पे कौन नजर रख रहा है और क्यों रख रहा है। ओके, तो यहाँ हमारे पास तीन फ्लावर है, एक रेड है, एक पिंक है और एक व्हाइट है। तो आप नेचुरली जिसके तरफ अट्रैक्टेड हों आप वो चूज कर लें। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने रेड चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं, आखिर आपको कौन स्पाई कर रहा है, नजर रख रहा है और क्यों कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे लग रहा है कोई आप पे कोई ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जिस पे आप भरोसा करते हैं, जिसको आपकी परवाह है, जिसको आपकी केयर है। ठीक है, मे बी आप इस पर्सन से आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन ये आपका वेल विशर है। कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेंबर, आपका पार्टनर या कोई भी जिससे आप कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन वो बहुत आपका अच्छा सोचते हैं और आपके वेल विशर है, और इसलिए शायद वो आपके लिए चिंतित हैं और इस कारण से वो आप पे नजर रख रहे हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में तो नहीं है, किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए या इस तरह की चीजें। इनको मोर लाइक अ पेरेंट, ठीक है ना, जैसे कि एक माता पिता नजर रखते हैं वैसे। और ये आपके डिसीजंस के प्रति थोड़े से कंसर्न है, चिंतित है, इसीलिए आप पे नजर रख रहे हैं। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस फॉर रेड लोटस। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये जो भी पर्सन है, अगर आपके पार्टनर हैं, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप नो कम्युनिकेशन में हैं, तो एक चीज आप याद रखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ये पर्सन जो है आपको अपना गिफ्ट कंसिडर करता है, इसको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग है, आप इनके लिए गिफ्ट है। ओके, और ये आपकी वैल्यू समझता है और इसीलिए ये हमेशा ये आपके लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव है, अगर मैं सही शब्द यूज करूं तो प्रोटेक्टिव, ये आपकी रक्षा करना चाहता है किसी भी तरीके के बैड इन्फ्लुएंस से, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को आपका बिहेवियर चाइल्डिश लगता है। ठीक है, इन्हें लगता है कि आप हड़बड़ी में फैसले लेते हैं, आप चाइल्डिश हैं, और अगर आपके साथ ही कॉन्टेक्ट में नहीं है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक्साइटमेंट में कोई ऐसा फैसला ले लें जिससे आपको नुकसान हो जाए। इस चिंता के कारण ये पर्सन आप पे नजर रख रहा है। ओके, और अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहें तो आपको वीकली रीडिंग्स की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और ईयरली रीडिंग का भी। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज है आपके लिए, मैसेजेस फॉर रेड लोटस। ओके, थ्री ऑफ कप्स। मे बी ए पर्सन ये भी जानना चाहता है कि आप उस खुशी को मिस करते हैं या नहीं जब आप साथ हुआ करते थे, तो ठीक है ना, ये आपको एनालाइज कर रहा है सोशल मीडिया पे, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, ऐसा भी कोई हो सकता है जो आपके और इनके बीच में कम्युनिकेशन बना रहा हो, चाहे आप इसके बारे में जानते हैं या फिर आप नहीं जानते हैं, कोई ऐसा हो सकता है मिडिल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन इनको दे सकता है और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये कोई कॉमन पर्सन है और ये पर्सन ये सोच रहा है कि ये जानना चाहता है आपके बारे में कि आप उस वक्त को मिस करते हैं या नहीं जब आप साथ थे, क्या आपके साथ वापस आने की कोई पॉसिबिलिटी है, क्या आपको अपने लाइफ में लाने की कोई पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इस चीज को ये जानना चाहते हैं और इसीलिए आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई बुरा इंटेंशन है आपको लेके। और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए, मैसेजेस फॉर रेड लोटस। सेवन ऑफ कप्स। मे बी ये किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, मे बी ये आप पे नजर इसलिए रखे हुए हैं कि इन्हें भरोसा है कि एक दिन आप ऐसा कोई साइन तो जरूर देंगे जिससे इन्हें ये सब कुछ पता लग जाएगा, कि इनके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इन्हें, कि आप इनके साथ वापस आना चाहते हैं या नहीं, आप इस ग्रुप का हिस्सा वापस बनना चाहते हैं कि नहीं, ये वेट कर रहे हैं।
सो यहाँ सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि टेम्पोरीली, और लेकिन हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये श्योर नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है कि जो ये देख रहे हैं वो सही नहीं है या इल्यूजन है. इल्यूजन मतलब कि एक वहम है जो कि कुछ दिनों में छट जाएगा या कुछ दिनों में दूर हो जाएगा. तो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सिर्फ इनका वहम है जो ये देख रहे हैं आपके बारे में, या वाकई में इसमें कुछ ठोस है. इस चीज को पता लगाने के लिए बहुत परेशान है, इनके अंदर एक रेस्टलेसनेस है. ठीक है, सो इस चीज को लेके थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं आपके पर्सन. चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए. ये जो बेचैनी है सब जानने की, इसी के कारण ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके बारे में जानना चाहते हैं. हो सकता है आपकी जासूसी भी कर रहे हो या सिंपली किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछते हो जो आपके रिंग के बीच कॉमन है. सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, ये थोड़े कंफ्यूज हैं. आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इनको ये समझ नहीं आ रहा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं. आप क्या पास्ट को याद करते हैं या फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना. और यही सिचुएशन इनके भी साथ है. अब इनको नहीं पता है कि इनको क्या करना चाहिए, पास्ट की तरफ देखना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए. इस डिसीजन को लेने के लिए ये आपको स्टॉक कर रहे हैं. क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि आप इनके कॉन्टेक्ट में वापस आएंगे, इनके लाइफ में वापस आएंगे. ओके, तो ये इस चीज को लेकर परेशान है कि इनको पास्ट में देखना चाहिए कि आगे बढ़ना चाहिए. और साथ ही ये आपको भी देख रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि आप पास्ट में अभी भी इंटरेस्टेड हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं. ओके, तो ये थी रेड लोटस वालों की रीडिंग. अब देखते हैं कि जिन्होंने पिंक लोटस सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं. मैसेजेस फॉर पिंक लोटस, नाइन ऑफ सॉर्ड, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड इन रिवर्स. मुझे लगता है कि जो भी पर्सन है ये आपको हर्ट करके पछता रहा है. इसने आपको हर्ट कैसे किया? इन्होंने कोई बात ऐसी बोली अचानक से जिसका इनको पता नहीं था कि इतना बुरा असर हो जाएगा. ठीक है, रिवर्स में आने का मतलब है, सॉर्ट का मतलब होता है या तो किसी बात का बहुत अच्छा इफेक्ट होगा या किसी बात का बहुत बुरा अफेक्ट होगा. ठीक है, सो यहाँ पे रिवर्स आया है, इसका मतलब है इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे चीजें जो थी बिल्कुल से एकदम से खराब हो गई. और अब ये पर्सन जो है बहुत दुखी है, सैड है और आपको स्टॉक कर रहा है. मे बी इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और इस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं. देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेज फॉर पिंक लोटस, मैसेजेस फॉर पिंक लोटस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके. ये जो पर्सन है ये चाहता है कि आप इन्हें कोई चांस दे या कोई ना कोई सिग्नल दे जिन्हें इससे ऐसा लगे कि ये वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं. और यहाँ फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके साथ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, तो मे बी डेफिनेटली ये आपके एक्स हो सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके साथ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं. ये सोच रहे हैं कि आपको एक और मौका मिले तो वो आपको प्रपोज कर सके, वो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सके, वो आपके साथ शादी कर सके. ओके, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं यहाँ पे. और देखते हैं कि और कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं. फाइव ऑफ सॉर्ड, ये पर्सन बुरी तरीके से डिजेक्टेड है, बुरी तरीके से क्या मैं कहूँ, इनके अंदर नेगेटिविटी है एक तरीके से. ये हतोत्साहित हो गए हैं, मतलब कि इनके अंदर एक हताशा है और निराशा है कि ये जो चीज है हो रही है या इनका आउट ऑफ कंट्रोल है. ये अपने पास्ट में देख रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि इनके रवैये के कारण आप चले गए. ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिए, जनरल रीडिंग है, अपोजिट साइड से भी रेजोनेट हो सकती है. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पिछले वीक की
जोडियाक की रीडिंग आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ईयरली रीडिंग का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलती इनकी थी जिसके कारण आप चले गए, ठीक है, और अब इस गलती को वो रियलाइज कर रहे हैं, वो एक और मौका चाहते हैं, वो बहुत डेस्परेट है, बहुत बेचैन है अपनी गलती को कबूल करने के लिए और आपके साथ एक और मौका चाहते हैं जिंदगी स्टार्ट करने का, रिलेशनशिप स्टार्ट करने का। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपको इसलिए स्टॉक करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट इंसान हैं। आप इन्हें रियलाइज हो रहा है कि जो हुआ इनकी गलती की वजह से हुआ, ये रिलेशनशिप जो इतना अच्छा चला रहा था इनकी गलती की वजह से हुआ, तो ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप वफादार थे, आप इनके लाइफ को स्टेबिलिटी प्रदान करते थे, आप हर तरीके से इनके लिए मददगार थे, आप दूर की सोचते थे, ठीक है। पहले जब कभी भी आपने इनसे शादी के बारे में पूछा तो शायद इन्होंने ऐसे कुछ रिएक्ट किया कि आप बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल अपसेट हो गए और आपसे आपने इनसे दूरी बना ली, या फिर अगर इन्होंने बनाई थी, खैर जो भी केस रहा हो, इन्होंने बनाई हो चाहे आपने दूरी बनाई हो, मगर ये पर्सन जानता है कि इसका रीजन ये था और ये सैड है और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने किसको खो दिया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है दिखा रहा है मुझे कि लॉयल है, स्टेबल है करियर में भी हर तरीके से, तो मे बी ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, सोचता है कि आप एक बेहतरीन ऑप्शन थे लेकिन अब वो आपको खो चुके हैं। तो चलिए, जिन्होंने व्हाइट लोटस चूज किया है आप उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ओके, मैसेजेस फॉर व्हाइट लोटस, द स्टार, टेन ऑफ पेंटिकल्स। इस समय जो भी आपको स्टॉक कर रहा है वो कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपसे बहुत जलन है। ये पर्सन आपसे बहुत जेलस है क्योंकि आप जो हैं इनसे बहुत बेहतर कंडीशन में। टेन ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हैं, आपके पास आपका परिवार है, आप फाइनेंशियल स्टेबल हैं, आप खुश हैं, आप हर तरीके से खुश हैं इस वक्त, ओके। और ये चीज जो है इस पर्सन को बहुत चुभती है क्योंकि शायद वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, इनको पता है कि आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जेलस हैं आपके, आप दिन भर इनके दिमाग में चलते रहते हैं, ये दिन भर बस आपके बारे में सोचते रहते हैं और सम हाउ मौका ढूंढते हैं कि आपको कैसे गलत ठहराया जाए अगर मौका मिले तो, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि एज अ फ्रेंड आपको दिखाई दे, ठीक है, या फिर कोई स्ट्रेंजर, टोटली स्ट्रेंजर जिसको आप जानते भी नहीं है, दो में से एक ही केस है, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है और आपसे बहुत जेलस है और चाहता है कि आपके नेगेटिव पॉइंट को ये उसका फायदा उठा सके, ठीक है, इसलिए आपको स्टॉक करते हैं। तो स्पेशली अगर आपके ये फ्रेंड है तो आपको ध्यान देना होगा क्योंकि उस केस में आपको फायदा उठा सकते हैं, स्ट्रेंजर के केस में ये चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं। और मैसेजेस चेक करते हैं, मैसेजेस फॉर व्हाइट लोटस, थ्री ऑफ सॉर्ड, ओके, अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है। सो यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड में भी अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे जो अब किसी और का पार्टनर है, किसी और का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, तो उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहने का मतलब है कि इनके अंदर एक ये अपने आप को आपसे कम समझते हैं, ठीक है, ये अपने आप को आपसे कम समझते हैं और इसीलिए इनके अंदर ये जो जेलस है आपके प्रति ये बढ़ती जा रही है क्योंकि ये आपके पार्टनर जो है शायद अक्सर इनसे ये कहते हैं कि आप कितने अच्छे थे, आपके साथ बिताए हुए वक्त ये याद करते हैं आपके पार्टनर। इस कारण से यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे लग रहा है बनी हुई है विद थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इन सारे कार्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपका जो एक्स पार्टनर है या जो भी आपके पार्टनर थे उनका जो करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है वो आपको
स्पाई कर रहे हैं, जो कि वो जेलस हैं और आपकी कमियां ढूंढेंगे आपके पार्टनर के सामने, आपको नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। What are the messages for you? Ace of Cups. Okay. ये आपको देख के ये विश कर रहे हैं कि काश इनके पास भी वो सब चीजें होती जो आपके पास है, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ऑफन अक्सर इनसे बातें करते हैं कि आप कितने स्पेशल थे, आप कितने परफेक्ट थे, कितना मुश्किल है आपके जैसा इंसान खोज पाना। ओके, ये सोचते हैं ये आपके जैसे होते ताकि आपके पार्टनर जो है इनको वैसे ही दोबारा प्यार करे जैसे वो आपसे करते थे, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इनको ये फील हो रहा है कि वो जैसे आपसे कनेक्टेड थे इमोशनली, इनसे कनेक्टेड नहीं है, और ये इस बात का रीजन जानना चाहते हैं कि क्यों, आप में ऐसी क्या खास बात है जो उनमें नहीं है, और आपका पार्टनर जो है क्यों आप में इतना इंटरेस्टेड रहता है और क्यों उनमें इतना नहीं। मे बी वो आपको ज्यादा पैम्पर करते थे, ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करते थे, इस पर्सन को ये बात पता है और इसको वो सब कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ये बहुत परेशान है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। जस्टिस, ओके, कार्ड ऑफ जस्टिस से क्लियर हो गया। ये चाहते हैं कि आपको हर्ट किया जाए, आपको नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इनको लगता है कि ये जस्टिफाइड है। इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आप जो हैं आप वही रहेंगे, आप अगर इन्फ्लुएंशियल है, आप अगर एक ऐसे इंसान हैं जो एक क्या कहूं मैं, एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं, या सिंपली आपका बिहेवियर जो है एक बहुत अच्छे इंसान की तरह है और एक स्ट्रांग इंसान की तरह है, इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि आपकी पर्सनालिटी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, और आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, मगर ये विश करते हैं लगातार कि आपका कुछ नुकसान हो, आप किसी तरीके से नीचे खींच के लाया जा सके, किसी तरीके से आपका लेग पुल किया जा सके ताकि वो आपके बराबरी में आ सके, क्योंकि वो अपने आप को आपके बराबर नहीं ला सकते, तो वो आपको खींच के अपने बराबर लाना चाहते हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो बाकी रीडिंग्स के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके की कुछ सिचुएशन बनी हुई है। सो ये थी थर्ड व्हाइट लोटस की रीडिंग। ओके, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।